चलो, गुड इवनिंग आईना, गुड इवनिंग आफिया मरियम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हो? आई होप सो आप लोग अच्छे होगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन दिस रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज अनअकैडमी। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप सभी को पता है मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र बैस और मैं आज लेकर आया हूँ, आज हमारा फाइनल डे है और आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल सेट ऑफ 90 क्वेश्चंस। वैसे तो बहुत सारे मैंने हर दिन एक यूनिट के हिसाब से कराए। गुड इवनिंग किशोर, गुड इवनिंग उत्सव, गुड इवनिंग हाय हेलो सबको, हेलो। चलो, तो वैसे तो मैं डेली एक यूनिट के जितने भी एमसीक्यूज थे करा रहा था, लेकिन उनमें से सॉर्ट आउट करना 90 क्वेश्चंस, ये थोड़ा टफ था। आई होप सो आप रेडी हो, राइट? हाँ, लेकिन दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र बैस है, आपको पता है। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, आई मीन लास्ट 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होगा। आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट। एज आई ऑलवेज से, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, राइट, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बताओ। आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद इंस्टॉल करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बहुत सारे फायदे हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आज अनअकैडमी पे हैं, आप चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपका फेवरेट हूँ, नहीं हूँ, इट डज नॉट मैटर, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं, राइट? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं बच्चे लोग, सोचो, कैन यू इमेजिन? आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन, लाइव क्लास में चैट कर सकते हैं, राइट? सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। जैसे सबसे पहला, डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, तो लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लासेस में आप एजुकेटर से चैट कर सकते हो, उस उनके साथ आप डिस्कशंस कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आंसर पोल कर सकते हैं, राइट? यू कैन गिव द आंसर फॉर द पोल्स, लाइव पोल्स भी चलते हैं, राइट? लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होता है तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहता है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग रहते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड का एक्सेस का मतलब है जैसे आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ज़रूरी नहीं आप मेरे वीडियो देखें, आपको जो भी फेवरेट टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपका फेवरेट टीचर हो जिस टॉपिक के, आप उनका वीडियो देख के उनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस तो चलती हैं, देख लीजिए आप, बहुत सारे फैकल्टीज की लाइव क्लासेस चलती हैं तो आपको पता होगा, राइट? लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। प्राइस हाइक अलर्ट, मैं बहुत दो तीन दिनों से बता रहा हूँ, याद रखो, प्राइस हाइक अलर्ट है ये, प्राइस हाइक होने वाला है। सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आप जिसने नहीं लिया है, जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड याद रखिएगा, SBAIS, अगर आप कोड यूज़ करोगे तो फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, इसके पहले कि प्राइस हाइक हो जाए। अगर आप इस रिवॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं मुझसे या जो भी आपका फेवरेट टीचर है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, राइट? जैसे ही प्राइस हाइक हो रहा है तो जल्दी जल्दी ले लीजिए, उसके पहले ले लीजिए, या आप या आपके कोई कजन जो भी लेना चाहते हो उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। मेरा कोड याद रखना, दैट इज SBAIS, एस फॉर सत्येंद्र, बेस मेरा सरनेम है, राइट? मैंने सारे बच्चों को, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, 1 ईयर या 2 ईयर के कोर्सेज पे ध्यान दीजिए। 1 ईयर का कोर्स जो 30,000 का पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, रेफरल कोड, तो ये 27,000 का पड़ेगा। रेफरल कोड कब यूज करना है? जब आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोसीड टू पे आएगा, जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करने जाओगे वहां पे अगर आप ये कोड डाल दोगे, दैट इज SBAIS, तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा बच्चों, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, राइट? फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, तो जो 1 ईयर का 30,000 वाला था वो 27 में पड़ेगा, और 2 ईयर का जो 36 का था वो 32,400 पड़ेगा। वन लास्ट टाइम आई एम सेइंग कि क्योंकि सब्सक्रिप्शन के रेट्स बढ़ने वाले हैं, इसलिए जल्दी ले लीजिए, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द फाइनल बैटल फॉर बायोलॉजी, एंड मैंने डेली आपको एक यूनिट के काफी सारे क्वेश्चंस करा रहा था। लास्ट 10 दिन से हम 10 यूनिट कर रहे थे, राइट? लेकिन मैंने उन्हीं में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं जो मुझे लगता है इसमें आ सकते हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। सो फाइनल सेट ऑफ 90 क्वेश्चंस, टारगेट 360 आउट ऑफ 360, लेट अस प्रोसीड। चलो, हमारे बायोग्राम का आज हम लोग एंड करेंगे, राइट? चलो बताओ, क्या बोलते हो, स्टार्ट करें क्वेश्चंस? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? जल्दी 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 जल्दी, आर यू ऑल रेडी? क्या बोलते हैं, स्टार्ट करें क्वेश्चन से, यस और नो? से यस और नो, स्टार्ट करें क्वेश्चंस, स्टार्ट करें क्वेश्चन। ये लो पहला क्वेश्चन, ये लो पहला क्वेश्चन, फास्ट आंसर देना, फास्ट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और नेफ्रीडिया किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ,
मैल्पीगियन टिब्यूल्स एंड नेफ्रिडिया, फटाफट 1 का A, 2 का B, 3 का C, ऐसे आंसर दो, फटाफट आंसर दो। मैल्पीगियन टिब्यूल्स और नेफ्रिडिया किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? फास्ट फास्ट ऋषभ, बेटा आंसर गलत है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। उत्सव का सही है, रेमी सलाम आपका सही है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल किसका होता है? आर्थ्रोपोडा का, और नेफ्रिडिया किसका होता है? एनिलिडा का, राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड बच्चा लोग। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ प्लांट, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को किस टाइप के फैक्टर्स में कंसीडर किया जाता है? ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी पॉइंट है। PGR को किस कैटेगरी में रखा जाता है? फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हुआ बच्चे लोग? चलो 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 सेकेंड का आंसर दो, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो चलो चलो, पीजीआर को किस कैटेगरी में रखा जाता है? जल्दी 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 आंसर दो। पीजीआर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंटरसेल्युलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इंट्रा नहीं, इंट्रा नहीं, इंटरसेल्युलर में आते हैं, राइट। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज? सेल साइकिल की मेटाबॉलिकली सबसे एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज बोल रहा है, मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज। अरे क्वेश्चन नंबर लिखो ना, 1 का A, 2 का B, भी ऐसे आंसर दो ना, मुझे पता कैसे चलेगा किसका आंसर दे रहे हो। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल इज, फास्ट फास्ट। वेरी गुड उत्सव, वेरी गुड एंजेला, वेरी गुड वेरी गुड तैयब अंजुम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्या आएगा आंसर? मेटाबॉलिकल सबसे एक्टिव फेज कौन सी होती है? इंटरफेज, जो कि 95% से भी ज्यादा टाइम ले लेती है पूरी सेल साइकिल का। सो द आंसर विल बी इंटरफेज, वेरी गुड। द पेरीसाइकिल ऑफ डाइकोट रूट फॉर्म्स, डाइकोट रूट की पेरीसाइकिल से क्या बनता है? द पेरीसाइकिल ऑफ डाइकोट रूट फॉर्म्स, फास्ट फास्ट, हम लोग थोड़ा फास्ट करने वाले हैं। चलो चलो चलो, द पेरिसाइकिल ऑफ डाइकोट रूट फॉर्म्स, फास्ट। द पेरिसाइकिल ऑफ डाइकोट रूट फॉर्म्स, जल्दी 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 जल्दी। इतना इजी क्वेश्चन एनाटॉमी का, ये नहीं बता पा रहे क्या आएगा आंसर? 4 का। गुड, यथार्थ ने करेक्ट दिया, गुड यथार्थ। समीक्षा आपका आंसर नहीं, समीक्षा का आंसर सही है, गुड। पेरिसाइकिल ऑफ द डाइकोट रूट फॉर्म्स लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम दोनों बनाता है। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, राइट। चलो चलो चलो, जितने लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो प्लीज हिट अ लाइक बटन एटलीस्ट, तो मुझे समझ में आ जाएगा राइट कि आपको पसंद आ रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट टेक्सोनॉमिक की? टेक्सोनॉमिक की के बारे में कौन सा क्वेश्चन फॉल्स है, कौन सा पॉइंट फॉल्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट टेक्सोनॉमिकल की? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो बन जाएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट टेक्सोनॉमिकल की? चलो चलो चलो, तीर्थ आपका आंसर गलत है, तीर्थ आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। एंजेला आपका आंसर सही है, वेरी गुड। दे आर बेस्ड ऑन सेट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, नहीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है एनसीईआरटी में लिखा है, सो ये फॉल्स है। ईच कैरेक्टर ऑफ अ कपलेट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीट, लीड कीज आर जनरली एनालिटिकल नेचर, ट्रू है, ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैव डिफरेंट की, सही बात है, सो आंसर इज ए, राइट। कितने बच्चे लोगों ने सही दिया? आई गुड गुड, ऋषभ का सही है, चलो बहुत सारे बच्चों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीनल मेड्यूला का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रीनल मेड्यूला इज हायर, क्यों? फास्ट, रीनल मेडुला, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चे लोग, फास्ट। रीनल मेडुला का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, गुड तैयबा अंजुम, वेरी गुड एंजिला त्यागी, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड उत्सव, वेरी गुड वत्सला, वेरी गुड। NaCl और यूरिया प्रेजेंट रहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, सो दिस विल बी द आंसर, याद रखना। बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सक्रीशन से। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो
Which of the following साइंटिस्ट इज रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ गिबरलिंस? गिबरलिंस की डिस्कवरी से कौन से साइंटिस्ट रिलेटेड है? फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज रिलेटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ गिबरलिंस? ए, जितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो प्लीज हिट अ लाइक बटन। लाइक सब लोग जल्दी जल्दी स्ट्रीम को लाइक करके आओ, फटाफट फटाफट लाइक करके आओ। चलो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ गिबरलिंस? फास्ट फास्ट आंसर दो। चलो चलो चलो, क्या आएगा आंसर? गिबरलिन। क्या आएगा आंसर? वेंट किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन से रिलेटेड है। कुरोसावा विल बी द आंसर। ये गिबरेलिक एसिड या गिबरलिन से रिलेटेड है। मिलर और स्कूक किससे रिलेटेड है? साइटोकाइनिन से। कजिन किससे रिलेटेड है? इथिलीन से रिलेटेड है। सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखना, ठीक है? सो द आंसर विल बी बी। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चे लोग, वेरी गुड बच्चे लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अगर मान लो एक डीएनए की इनिशियल कंटेंट को 2C से डिनोट किया जाता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर एस फेस इज। अगर इनिशियल कंटेंट डीएनए की 2C है तो एस फेस के बाद डीएनए की कंटेंट कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8। चलो चलो चलो, अगर इनिशियल कंटेंट 2C है डीएनए की तो एस फेस के बाद कितनी हो जाएगी? जल्दी तैयबा अंजुम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आपका करेक्ट आंसर आया वहाबा, वेरी गुड। आनंद वेरी गुड बेटा। लक्ष्मिता वेरी गुड। याद रखना ये पॉइंट बिफोर एस फेस, एंड यहाँ पे लिख लो आफ्टर एस फेस। बिफोर एस फेस और आफ्टर एस फेस, अगर कोई आपको प्लॉइडी लेवल पूछे तो सेम रहता है एस फेस के पहले और एस फेस के बाद, प्लॉइडी लेवल सेम रहता है सेल का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे तो भी सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम रहता है, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन अगर मान लो कल आया तो याद रखना, डीएनए कंटेंट फॉर एग्जांपल 2C थी तो 4C हो जाएगी। प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, डीएनए कंटेंट बस डबल होगी, सो 4C विल बी द आंसर। कल अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकोट रूट आर। मोनोकोट रूट के वेस्कुलर बंडल्स कैसे हो सकते हैं? हेलो 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 बेलुआ जेसिका, हेलो हेलो हेलो, चलो सबको हेलो, सबको गुड इवनिंग। चलो, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकोट रूट आर, फास्ट। द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकोट रूट, मोनोकोट रूट के वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, 9 का क्या आना चाहिए? अगर आपकी तैयारी है पूरी, तीर्थ आपका आंसर गलत है, अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको बन जाएगा, क्लियर बनेगा अगर आपकी तैयारी पूरी हो तो। कैसे होते हैं? रेडियल, पॉलीआर्च एंड एक्सार्च जाइलम, दिस विल बी द आंसर, राइट। चलो चलो, 9 का क्या आएगा? बी ऋषभ, 9 का बी आएगा। कैसे कर रहे हो? कंजॉइंट कहां से आ जाएगा रूट में? अरे यार चलो कोई नहीं। अ टैक्सोनॉमिक की इज यूज्ड फॉर, टैक्सोनॉमिक की का यूज काई के लिए करते हैं? अ टैक्सोनॉमिक की इज यूज्ड फॉर, फास्ट जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। अ टैक्सोनॉमिक की इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अ टैक्सोनॉमिक की इज यूज्ड फॉर, फास्ट क्या आना चाहिए इसका आंसर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, 10 सेकंड में बनना चाहिए था। की इंपॉर्टेंट है, की इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड है, पढ़ लीजिएगा कल जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। चलो आंसर दो बच्चों, फटाफट फटाफट आंसर दो, चलो फटाफट आंसर दो। ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे इन एडल्ट ह्यूमन बींग, फास्ट क्या आना चाहिए आंसर? ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे इन एडल्ट ह्यूमन बींग? एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये एक्सक्रीशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर 11 का? तैयबा वेरी गुड, आनंद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे आई कैन सी एवरी वन इज गिविंग द राइट आंसर, तो आंसर विल बी 25 to 30 ग्राम पर डे, राइट राइट। चलो चलो चलो,
विच टू हार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली फॉर एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन से दो हार्मोन अपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के? विच टू हार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली फॉर एपिकल डोमिनेंस? ये क्वेश्चन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, फास्ट 12 का, 12 का क्या आएगा फास्ट? अरे वन का ही, टू का भी, ऐसे आंसर दूं ना? जल्दी जल्दी जल्दी, विच टू हार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली फॉर एपिकल डोमिनेंस? एक एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और दूसरा उसे ओवरकम करने में हेल्प करता है। 12 का क्या आएगा आंसर? वत्सल आपका आंसर गलत है बेटा, नहीं वत्सल आपका आंसर सही है, गुड गुड गुड, क्या आना चाहिए? वत्सला का सही है, आभास का सही है, अरे इतनी जल्दी चैट जा रही है मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ऋषभ आपका आंसर गलत है, क्या आएगा आंसर? साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, दिस विल बी द आंसर। ऑक्सिन प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन इट हेल्प्स टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। इसको ऐसे याद रखना, यही दो हार्मोन टिश्यू कल्चर में भी यूज होते हैं, यही दो हार्मोन माइक्रो प्रोपोगेशन या टिश्यू कल्चर में भी यूज होते हैं, और यही दो हार्मोन एपिकल डोमिनेंस के लिए भी यूज होते हैं, राइट? एपिकल डोमिनेंस में भी एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, चलो। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, फास्ट 13, लेकिन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, फास्ट, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, कौन से फेज में होता है? यार इतना इजी है, इसके लिए तो 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। क्या आएगा आंसर? डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में होता है भाई, ये तो सबको पता रहना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। गुड 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 गुड, वेरी गुड, आई कैन सी एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, गुड 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 बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम आर मेड अप ऑफ? द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी रहती है एंड डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी रहती है? फास्ट, एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये, प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है। द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम आर रिस्पेक्टिवली, जल्दी जल्दी जल्दी, 14 का आंसर बताओ, 14 का आंसर बताओ। ऋषभ ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 14 का आंसर, ऋषभ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले मोनोकॉट पूछ रहा है बाद में डाइकॉट, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले रेमी सलाम आपका आंसर सही है, समीक्षा आपका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड। मोनोकॉट स्टेम की कैसी रहती है? स्क्लेरेन्काइमेटस। और डाइकॉट स्टेम की कैसी रहती है? कोलेन्काइमेटस। सो दिस विल बी द आंसर, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कल ये कोई गलती मत करके आना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना प्लीज, कल कोई गलती मत करके आना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहले मोनोकॉट स्टेम का पूछा था, मोनोकॉट स्टेम का स्क्लेरेन्काइमेटस और डाइकॉट स्टेम का कोलेन्काइमेटस, ठीक। चलो, कितने लोगों को इस क्वेश्चन में गुगली हुई, कितने लोगों को इस क्वेश्चन में ऐसा लगा कि यार गुगली हो गई यार, ये तो हमको ढंग से पढ़ना चाहिए था। जितने लोगों को क्वेश्चन पसंद आया सब लोग लाइक करके आओ, स्ट्रीम जाओ जल्दी से, जल्दी 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 लाइक करके आओ फटाफट, जितने लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हो। नेक्स्ट, इफ वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, अगर आप किंगडम से, फाइलम से, क्लास से, ऑर्डर से, फैमिली से, जीनस से, स्पीशीज, किंगडम से स्पीशीज की तरफ नीचे आओगे, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स अमंग द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन, तो कॉमन कैरेक्टर कम होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इंक्रीजेज अप टू फैमिली एंड देन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अप टू क्लास एंड देन इंक्रीजिंग, क्या आएगा आंसर? अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे, फटाफट फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। 15 का क्या आएगा आंसर? आदिया वेरी गुड, आनंद वेरी गुड, तैयबा आपका आंसर गलत है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, दिस विल बी द आंसर। चलो, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की टोटल थिकनेस कितनी होती है? द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, फास्ट 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 बच्चे लोग, द टोटल थिकनेस, 90 क्वेश्चंस लाया हूं फटाफट बनाने हैं अपन को, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, एनसीईआरटी का पॉइंट है, रेस्पिरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज, फास्ट। 16 का क्या आएगा? लेस देन 1 mm, वेरी गुड, दिस विल बी द आंसर, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, आई कैन सी एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, गुड 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 गुड। चलो चलो चलो, नेक्स्ट, द हॉर्मोन विच कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स इज, ऐसा कौन सा हॉर्मोन है जो स्टोमेटा को क्लोज करता है और प्लांट के टॉलरेंस को बढ़ाता है?
या क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो स्टोमेटो को क्लोज करता है, जो इंक्रीज करता है टॉलरेंस को प्लांट के। जल्दी 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 17 का। वेरी गुड आनंद, वेरी गुड आनंद बेटा, सही है। आनंद का सही है, ऋषभ का सही है, आदिया का सही है, रेमी का सही है। गुड, क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड, राइट। दिस विल बी द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम कैन बी इजिली स्टडीड। द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम कैन बी इजिली स्टडीड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। माइटोसिस की कौन सी फेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स कैन बी इजिली स्टडीड? अरे वन का ए टू का भी ऐसे आंसर दो ना, तब तो मुझे समझ में आएगा किसका आंसर दे रहे हो, फिर बोलोगे मैं नाम नहीं लेता। द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोजोम्स कैन बी स्टडीड। आनंद वेरी गुड, ऋषभ वेरी गुड, एंजेला वेरी गुड, आभास वेरी गुड, आभास वेरी गुड, आ गया आभास। चलो चलो चलो, वत्सला वेरी गुड। क्या आएगा आंसर? मेटाफेस विल बी द आंसर, याद रखिएगा, राइट। इसमें मैक्सिमम कंडेंस्ड होते हैं क्रोमोसोम, सबसे ज्यादा कंडेंसेशन इसी फेस में होता है, इसी कारण इसमें क्लियर मॉर्फोलॉजी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड ऑन द रेडियल एंड इनर वॉल्स ऑफ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड ऑन द रेडियल एंड इनर वॉल ऑफ। जल्दी बताओ बच्चा लोग, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसके रेडियल और इनर वॉल पे मिलती हैं? फास्ट, 19 का क्या है आंसर? ऋषभ वेरी गुड, ऋषभ बिल्कुल वेरी गुड बेटा, ऋषभ का सही आंसर है। जल्दी जल्दी जल्दी, आनंद का सही आंसर है। गुड 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 गुड। गेमर एक्सिस पॉइंट, आपका आंसर गलत है। क्या आना चाहिए आंसर? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड ऑन द रेडियल एंड इनर वॉल्स ऑफ रूट की एंडोडर्मिस में मिलती है। क्या डिपॉजिट रहता है? सुबेरिन डिपॉजिट रहता है। ये वाटर के लिए क्या रैक कर देता है? इम्परमिएबल कर देता है, वाटर लीकेज को रोकता है, वाटर को इम्परमिएबल बना देता है। ये हो गया आंसर, याद रखना। रूट की एंडोडर्मिस में सुबेरिन, स्टेम की एंडोडर्मिस में स्टार्च। रूट की एंडोडर्मिस में सुबेरिन, स्टेम की एंडोडर्मिस में स्टार्च। चलो नेक्स्ट, द इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, फास्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इन स्टेटमेंट कौन सा है? समीक्षा वेरी गुड, समीक्षा ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। आदिया का भी करेक्ट है, गुड गुड गुड। समीक्षा का करेक्ट है, आदिया का करेक्ट है, दो लोगों का करेक्ट था। तीर्थ आपका करेक्ट है, आनंद आपका करेक्ट है, गुड। जेनरिक नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, जी हाँ। एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, जी हाँ ये सही है। बोथ नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये सही है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन इटैलिक्स, नहीं, दे आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन लैटिन, नो, रिटन इन इटैलिक्स। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, एंड दिस विल बी द आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा ये क्वेश्चन ये बताओ, कैसा लगा ये क्वेश्चन ये बताओ, चलो जल्दी बताओ। हाउ हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस क्वेश्चन? जितने भी बच्चों को ये क्वेश्चन पसंद आया हो, ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। और जितने भी लोगों को पसंद आया फटाफट लाइक कर दो चलो जाके। नेक्स्ट, द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जिसमें पॉट बेली दिखती है, बिल्कुल ईजी, साफ क्वेश्चन है, ईजी हिंट है। चलो जितने लोगों को पसंद आया फटाफट स्ट्रीम को लाइक कर दो, यूट्यूब अपनी इस स्ट्रीम को लाइक कर दो, फटाफट लाइक लाइक बटन दबा दो। चलो बताओ, द प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कंडीशन जिसमें पॉट बेली दिखती है, बहुत इजी है, डायरिया दिखता है, और जो बच्चों को होता है 1 to 5 ईयर। 21 कौन देगा आंसर, 21 कौन देगा आंसर, क्या आएगा? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है यार, कैसे कर रहे हो यार, सीधे सीधे आंसर बनना चाहिए तुम लोगों को, बी आएगा, राइट। चलो चलो चलो, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड बच्चा लोग। आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, बहुत सारे लोगों ने गलत भी आंसर दिया, गलत नहीं। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड, टेस्ट इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन। मैं कई बार बोल रहा हूँ बायो एसेज याद रखिएगा, अगर मान लो आ जाए तो आपको बनना चाहिए।
साइटोकाइनिन का बायोएसी के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि ऑक्सिन का बायोएसी पूछ चुका है नीट में, नीट में आ चुका है ऑक्सिन का बायोएसी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हॉर्मोन्स का भी बायोएसी पूछ दे टेस्ट। चलो चलो आदिया, वेरी गुड। रूपेश आपका आंसर गलत है। कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट और टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट। अल्फा एमाइलेज बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट नहीं किया जाता, ये किया जाता है गिबरलिन्स के लिए या गिबरेलिक एसिड के लिए। तो आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी, दिस विल बी द आंसर। चलो 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 चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ डायर्नल रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल? बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायर्नल रिदम और स्लीप वेक साइकिल? चलो, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड डायर्नल रिदम और स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है? लेट मी सी कौन कौन ये बनाता है। इट इज अ गुड क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो चलो, 23 का कौन आंसर दे रहा है भाई? अरे गुड, एवरी वन इज गिविंग, आई थिंक एवरी वन इज गिविंग द राइट आंसर। गुड बच्चा लोग, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। कौन सा रिलेटेड रहता है? पीनियल ग्लैंड रिलेटेड रहता है, राइट। चलो, डायर्नल रिदम और स्लीप वेक साइकिल से कौन सा रिलेटेड रहता है? पीनियल ग्लैंड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलो चलो, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑनेस्टली अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, राइट, और फोकस करिए क्वेश्चन पे, क्योंकि कल नीट है, तो इधर उधर की बातें में अभी नहीं करेंगे अपन लोग ज्यादा, राइट। फोकस करिए क्वेश्चन पे। 24 क्या आंसर होगा भाई? 24 क्या आंसर होगा? समीक्षा वेरी गुड, आनंद वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, राहुल वेरी गुड, तीर्थ वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, आभास वेरी गुड। सेल्फ कॉन्शियसनेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती है, ये ह्यूमंस का फीचर होता है, ये हम में मिलता है, ये ह्यूमंस का फीचर है और ये आंसर है, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अ डाइकॉट लीफ? इनमें से कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग अ डाइकॉट लीफ? डाइकॉट लीफ के बारे में इनमें से कौन सा फॉल्स है, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अ डाइकॉट लीफ? चलो चलो चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अ डाइकॉट लीफ? फास्ट चलो, मैं देखता हूँ कौन आंसर देता है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अ डाइकॉट लीफ? जल्दी जल्दी आंसर दो। 25 कौन आंसर दे रहा है? आदिया, वेरी गुड आदिया, आपका सही है। आनंद आपका आंसर गलत है। विजय का सही है, आभास का सही है, और किसका सही था? गुड गुड गुड, वेरी गुड। मीजोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा? जी हाँ, रहता है। दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन? जी हाँ। द वेस्कुलर बंडल्स आर सिमिलर इन साइज? नहीं, याद रखना, डाइकॉट लीफ में क्योंकि वेन्स का डायामीटर अलग अलग होता है, इसलिए उनके अंदर का वेस्कुलर बंडल का साइज भी अलग अलग होता है। ड्यू टू डिफरेंस इन द डायामीटर ऑफ द वेन्स द वेस्कुलर बंडल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, सो ये नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स? मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, फैट का एब्जॉर्प्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा कल के एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स? फास्ट। जितने बच्चों को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, डू हिट द लाइक बटन। जितने बच्चों लोगों को ये सेशन वाकई में हेल्पफुल लग रहा हो कि हाँ सर रिवाइज हो रहा है हमारा चैप्टर, डू प्रेस द लाइक बटन। मुझे पता चलेगा कितने लोगों को ये हेल्पफुल लग रहा है कि चलो कल कुछ हेल्प हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स? 26। अरे गुड, एंजेला इज राइट, ऋषभ इज राइट, तैयब अंजुम यू आर ऑल्सो राइट, आदिया इज राइट, गुड गुड गुड, एवरी वन इज गिविंग द राइट आंसर। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स विच मूव इन टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सही है। मिसल्स आर रिफॉर्म्ड इन टू प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स काइलोमाइक्रोन्स, ये सही है। काइलोमाइक्रोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ वेसल, याद रखना ये ब्लड से नहीं जाता, गुड, ये सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट,
विच साइंटिस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड हाइड्रोपोनिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस साइंटिस्ट ने हाइड्रोपोनिक्स को पहली बार डिमोन्स्ट्रेट किया था? विच साइंटिस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड हाइड्रोपोनिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार हाइड्रोपोनिक्स को किसने डिमोन्स्ट्रेट किया था? ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। लेट मी सी कौन बताता है आंसर। विच साइंटिस्ट डिमोन्स्ट्रेटेड? अरे गुड, राहुल हैज गिवन। राहुल ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया। राहुल ने करेक्ट आंसर दिया है। गुड गुड गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। राहुल ने सबसे पहले आंसर दिया। क्या आएगा आंसर? जूलियस वॉन सेक। दिस विल बी द आंसर। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, मुझे बता सकते हो कौन से ईयर में? ईयर बता सकते हो? कैन यू टेल द ईयर? कौन से ईयर में उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स को डिमोन्स्ट्रेट किया था? कौन से ईयर में? ईयर कौन सा लिखा हुआ एनसीईआरटी में? अगर आपको ईयर पूछ दिया तो कोई मुझे ईयर बताएगा? लेट मी सी कौन बताता है। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कोई जानता है ईयर कौन सा होगा? जल्दी बताओ। चलो, विजय ने सही बताया। वेरी गुड, विजय ने करेक्ट बता दिया। गुड गुड गुड। चलो नेक्स्ट। द मिडिल पार्ट ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड, ए बैंड और आई बैंड के सेंटर में क्या रहता है? सीधे सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन। अरे 1960 नहीं है बच्चा लोग, 1860 कैसे कर रहे हो? कुछ भी उल्टा सीधा ईयर बता रहे हो। द मिडिल पार्ट ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड कंटेन्स, ए बैंड और आई बैंड के सेंटर में क्या होता है? जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 28। ए बैंड और आई बैंड के सेंटर में क्या होता है? द मिडिल पार्ट ऑफ ए बैंड एंड आई बैंड कंटेन्स। फास्ट फास्ट फास्ट। तीर्थ ने सबसे पहले आंसर दिया। चलो आंसर दो फटाफट। चलो चलो चलो। हाँ, तो ए बैंड के सेंटर में क्या होता है? एच जोन। और आई बैंड के सेंटर में क्या होता है? जी लाइन। दिस इज दी आंसर। चलो आप लोग मेरे को आंसर दो। डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन्स, दिस टू जी लाइन्स इज कॉल्ड एस। कौन आंसर देगा? चलो फास्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। अरे वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड वेरी गुड बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट। ये डायग्राम किसका है? नेक्स्ट, ये डायग्राम किसका है? इसके दो आंसर करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे गलत फ्रेम हो गया। इसके दो दो आंसर करेक्ट हैं, दो करेक्ट आंसर है। ये किसका डायग्राम है? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ऋषभ, देख लिया मैंने, सार्कोमियर बोलते हैं। ऋषभ ने सार्कोमियर बताया, वत्सला ने सार्कोमियर बताया। गुड गुड गुड। चलो चलो चलो, ये डायग्राम किसका है? और इसके दो करेक्ट आंसर है वैसे 29 के। जल्दी जल्दी जल्दी। एस के एस ए पी बी। वेरी गुड, सबसे पहले आपने बताया। वेरी गुड वेरी गुड। ये किसका डायग्राम है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। रुक जाओ, ये किसका डायग्राम था? डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ? डॉर्सी वेंट्रल लीफ या डाइकॉट लीफ का डायग्राम था। तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, राइट। चलो 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 नेक्स्ट। 30 का आंसर, 30 का आंसर बताओ। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अच्छा क्वेश्चन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, चलो 30 का आंसर बताइए। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, जल्दी जल्दी 30 का आंसर दो फटाफट फटाफट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी जल्दी जल्दी। 30 का क्या आएगा? देवांशी का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड देवांशी, समीक्षा का करेक्ट है। चलो मैं हेल्प करता हूँ। द ग्रोथ कैन बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट साइनोमस। नहीं, साइनोनिमस होते हैं, राइट। कॉन्शियन, चलो क्या आएगा आंसर? चलो चलो चलो, क्या आएगा आंसर? फटाफट बताओ क्या आएगा इसका आंसर।
आंसर क्या आएगा? कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों गलत हैं। राइट, सो द आंसर विल बी सी। चलो चलो चलो, नेक्स्ट। द कॉम्प्लेक्स कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सी कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड है? द कॉम्प्लेक्स कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, ऋषभ इज सेइंग सर डी क्यों नहीं, क्योंकि उसमें फिजिकल रिएक्शन लिखा था, केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शन। ऋषभ ध्यान से पढ़ो। चलो, द कॉम्प्लेक्स कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, कौन आंसर देगा? चेतन, वेरी गुड बेटा, चेतन का करेक्ट है। आदि आपका आंसर गलत है। क्या आएगा आंसर? कॉम्प्लेक्स 5 F0F1 पार्टिकल जिसे बोलते हैं ना, राइट। तो पंपिंग कहां से कहां होती है ये सबको पता होना चाहिए। इंटर चलो, सो द आंसर विल बी कॉम्प्लेक्स 5। क्लियर हुआ सभी को? चलो चलो चलो, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे फोकस रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ द एलिमेंट। चलो चलो चलो, 32 का आंसर दो, 32 का आंसर दो। अरे ऋषभ बिल्कुल करेक्ट बेटा, राहुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ऋषभ का करेक्ट, राहुल का करेक्ट। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल, जी हाँ ये क्राइटेरिया है। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जी हाँ सही है। द एलिमेंट मस्ट बी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, नहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये गलत है। एंड दिस इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना। मजा आया ये क्वेश्चन करके। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स ड्यूरिंग, रीअपियर्स बोल रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स ड्यूरिंग, ये कब रीअपियर होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। 33 का आंसर क्या आएगा? अरे वेरी गुड राहुल, वंस अगेन आपने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। निताशा करेक्ट, देवांशी करेक्ट, वत्सला करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, गुड गुड गुड। रीअपियर का भी होता है टीलोफेस, डिसअपियर पूछेगा तो प्रोफेस, रीअपियर पूछेगा तो टीलोफेस, दिस विल बी द आंसर, राइट। चलो अच्छा, बाय द वे बच्चा लोग मुझे बताओ, क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज पे होता है? क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज पे होता है? क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज पे होता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो? जल्दी से आंसर दो। लेट मी सी, मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, कोई आंसर देगा? क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? जल्दी जल्दी। हाँ गुड, आयुषी ने करेक्ट आंसर दिया, ऋषभ ने करेक्ट आंसर दिया, विजय पाल सिंह आपका भी करेक्ट आंसर है, गुड गुड गुड। चलो चलो चलो, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग बुलीफॉर्म सेल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है रिगार्डिंग बुलीफॉर्म, फॉल्स रिगार्डिंग बुलीफॉर्म सेल्स, फास्ट जल्दी आंसर दो। क्या आना चाहिए 34 का? ये एम्प्टी होते हैं करेक्ट, ये लार्ज होते हैं, ये कलरलेस होते हैं करेक्ट, दे आर फाउंड ऑन एबेक्सियल सरफेस, नहीं, ये एडेक्सियल सरफेस पे मिलते हैं, तो ये आंसर फॉल्स है एंड दिस इज अवर आंसर। याद रखना बच्चे लोग, जिन लोगों को सुनना है फटाफट सुन लो, अगर बुलीफॉर्म सेल अगर टर्जिड हो गए, अगर ये टर्जिड होंगे तो ग्रास ब्लेड ओपन हो जाएगी, और अगर ये फ्लैसिड होंगे तो ग्रास ब्लेड क्लोज हो जाएगी, अगर ये टर्जिड होंगे तो ग्रास ब्लेड ओपन हो जाएगी, ये फ्लैसिड होंगे तो ग्रास ब्लेड क्लोज हो जाएगी। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? इनमें से कौन सा फॉल्स है?
द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट क्राइसोफाइट्स इज, एनसीईआरटी के पॉइंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो 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 जल्दी फटाफट आंसर दो। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट क्राइसोफाइट्स इज, जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चा लोग। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आना चाहिए आंसर? अरे गुड, ऋषभ करेक्ट, आभास करेक्ट, मृदुला करेक्ट, विजयपाल सिंह करेक्ट, आदिया गुड गुड गुड। क्या आना चाहिए आंसर? इट इंक्लूड जेस्मिट्स एंड डायटम्स, ये सही है। इन डायटम्स द वॉल्स आर एम्बेडेड विद टंगस्टन, नहीं सिलिका होता है, टंगस्टन नहीं होता, सिलिका होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम्स फॉर्म्स डायटोमेशियस अर्थ, करेक्ट है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, करेक्ट है। सो द आंसर विल बी बी, ध्यान से देख लेना, राइट। चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ सलाइवा इन गैस्ट्रिक जूस। अरे यार ये तो वेरी इजी क्वेश्चन में आ गया, वेरी इजी क्वेश्चन। द पीएच ऑफ द सलाइवा इन द गैस्ट्रिक जूस आर, फास्ट, द पीएच ऑफ द सलाइवा इन गैस्ट्रिक जूस आर, जल्दी जल्दी आंसर दो। द पीएच ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक जूस, ये तो बन जाना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है यार, इतना इजी तो गलत नहीं करोगे। जल्दी जल्दी जल्दी, श्रुति आपका आंसर गलत है, क्या आना चाहिए इसका आंसर? अरे यार इतना इजी, 6.7 एंड 1.8 रिस्पेक्टिवली, ये तो सबको पता रहना चाहिए ना, एचसीएल के कारण 1.8 हो जाता है, राइट। हाँ गुड गुड गुड, चलो 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 वेरी गुड बच्चे लोग। नेक्स्ट, द प्रोटॉन पंपिंग, द प्रोटॉन पंपिंग इन क्लोरोप्लास्ट ऑकर्स फ्रॉम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ से कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ से कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन की पंपिंग कहाँ से कहाँ होती है? फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ऋषभ करेक्ट, शिव कुमार करेक्ट, ठाकुर निखिल सिंह करेक्ट, विजयपाल सिंह करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। कहाँ से कहाँ होती है? ल्यूमेन ऑफ थायलाकोइड से स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आई कैन सी सबका सही आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। चलो चलो फटाफट, मियोसिस इन्वॉल्व्स, जल्दी आंसर दो। मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस में क्या होता है? 38 का क्या आना चाहिए आंसर? टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन, हाँ मियोसिस वन मियोसिस टू होता है, लेकिन एक ही बार होता है डीएनए रेप्लिकेशन, मियोसिस वन मियोसिस टू, सो दिस विल बी द आंसर, ये हो जाएगा अपना आंसर, राइट। चलो 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 वेरी गुड, आई कैन सी सबने सही दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का क्वेश्चन है, वो जो टेबल दिया हुआ उससे, इनमें से किस टाइप के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने बच्चों ने आंसर पढ़ा है? राहुल वेरी गुड, चेतन वेरी गुड, वेरी गुड, देवांशी वेरी गुड, एस के एस ए पी बी, नहीं एस के एस ए पी बी आपका आंसर गलत है। सिंपल डिफ्यूजन में चाहिए रहता है क्या? नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस, यानी कि बोथ बी एंड सी, दिस विल बी द आंसर, राइट, बोथ बी एंड सी विल बी द आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज थ्रू, एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसके थ्रू होता है? एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसके थ्रू होता है? जल्दी, द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल्स इज थ्रू, जल्दी 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 जल्दी, एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसके थ्रू होता है? 40, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा? अरे गुड, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू तो सिम प्लास्टिक होता है, राइट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट किसके थ्रू होता है? सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। याद रखना एंडोडर्मिस के पहले, याद रखना मैं कुछ बता रहा हूं, कल अगर क्वेश्चन आए, कल अगर क्वेश्चन आया तो याद रखना, बिफोर एंडोडर्मिस
बिफोर एंडोडर्मिस दो रास्ते होते हैं, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक। लेकिन आफ्टर एंडोडर्मिस अगर कोई पूछे, आफ्टर एंडोडर्मिस कल अगर क्वेश्चन आए तो पढ़ लेना, बिफोर एंडोडर्मिस पूछ रहा है कि आफ्टर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के पहले तक दो रास्ते होते हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। आफ्टर एंडोडर्मिस ओनली सिम्प्लास्टिक पाथवे इज देयर, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ओनली सिम्प्लास्टिक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेयर के पहले दो पाथवे होते हैं, किस लेयर के बाद फाइनल पाथवे सिम्प्लास्टिक हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है? जल्दी 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 जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, फास्ट। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? 41 का पोन्स होता है क्या? नहीं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है क्या? हाँ। चलो चलो चलो, सो द आंसर विल बी बी, दिस विल बी द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो चलो चलो, ये गलती नहीं करके आना, इतना इजी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द वॉटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर से रिलेटेड। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड कौन से एलिमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, फास्ट। अरे वाह, वेरी गुड, देवांशी का करेक्ट है, गुड, ऋषभ का करेक्ट है, राहुल का करेक्ट है, गुड गुड गुड, विजयपाल सिंह आपका भी करेक्ट है, गुड गुड गुड। चलो चलो चलो, कौन से इन्वॉल्व रहते हैं? मैंग्नीज, क्लोराइड एंड कैल्शियम, दिस विल बी द आंसर। मेरा क्वेश्चन आपसे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कौन से पिगमेंट सिस्टम से रिलेटेड रहता है? विच पीएस, कौन से पिगमेंट सिस्टम से रिलेटेड है? PS1 से रिलेटेड है कि PS2 से रिलेटेड है? चलो, कौन से पिगमेंट सिस्टम से रिलेटेड रहता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू विच पिगमेंट सिस्टम? चलो देखते हैं कौन आंसर देता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू विच पिगमेंट सिस्टम, फास्ट बच्चा लोग। अरे गुड, रितेश ने सही आंसर दिया, देवांशी ने करेक्ट आंसर दिया, रेचल ने करेक्ट आंसर दिया, विजयपाल सिंह करेक्ट, SKS APB करेक्ट, अनुज करेक्ट, गुड 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 बच्चा लोग। चलो चलो, गुड गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स अमोनिया इन टू नाइट्राइट आर। कौन से बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स एन ईजी क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो तुरंत बन जाएगा। ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं? फास्ट, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट आर। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, 43 का आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह, वेरी गुड, बॉटनी बाय लिप्सिता आपका आंसर सही है, वत्सला आपका आंसर गलत है, चेक करो वत्सला, बच्चा आंसर चेक करो, गलत है। क्या आएगा आंसर? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। देखो इस क्वेश्चन से खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे थायोबैसिलस और सूडोमोनास ये डीनाइट्रिफिकेशन में आते हैं, सो दे आर डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। बेसिलस वल्गैरिस, बेसिलस रेमोसस ये एमोनिफिकेशन वाले हैं, तो एमोनिफिकेशन वाले बैक्टीरिया पूछे तो ये दोनों, डीनाइट्रिफिकेशन वाले पूछे तो ये दोनों। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? तो नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये बार बार ब्रेक होके क्वेश्चन आता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसिस्टिस, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, राइट। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च ग्रेन्स आर अबंडेंट इन द एंडोडर्मिस ऑफ। किसकी एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स बहुत ही अबंडेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स आर अबंडेंट इन द एंडोडर्मिस ऑफ, स्टार्च ग्रेन्स आर अबंडेंट इन द एंडोडर्मिस ऑफ। फास्ट यार, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो, फटाफट बिल्कुल, मतलब इतना इजी क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं करेगा। क्या आना चाहिए? स्टार्च ग्रेन्स किसमें होते हैं सबसे ज्यादा? डाइकोट स्टेम में, सो दिस विल बी द आंसर। याद रखना,
स्टेम की एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन, तो स्टार्च शीत, इसलिए डाइकोट स्टेम की एंडोडर्मिस को क्या बोला जाता है, स्टार्च शीत। रूट की एंडोडर्मिस में रहेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, स्टेम की एंडोडर्मिस में क्या रहेगा, स्टार्च शीत, याद रखना है इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। पॉलन जर्मिनेशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए रहता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, हो सकता है फिर से आ जाए क्वेश्चन। द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इज 45। देवांशी करेक्ट, शीमा करेक्ट, वेरी गुड, शीमा करेक्ट, देवांशी करेक्ट, राहुल करेक्ट, गुड गुड गुड, आई कैन सी सब करेक्ट आंसर दे रहे हैं यार। चेतन आपका आंसर गलत है। कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड रहता है, बोरॉन, ये सबको पता रहना चाहिए, बहुत इजी है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज। नेक्स्ट, अ फॉर्म फोर्टी सिक्स का क्या आएगा, अरे गुड, श्रुति का सही है, गुड गुड गुड, वत्सला का सही है, गुड, आईना वानी आपका भी सही है, गुड गुड गुड। चलो क्या क्या बोलते हैं उसको, एपोमिक्सिस, ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट है, राइट, एनसीईआरटी की बातें हैं ये सब, तो अपन को पता रहना चाहिए, गुड। इन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी द एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम, इन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो कहां से अराइज होता है, इन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम, इन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम, जल्दी जल्दी जल्दी। 47, चेतन करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, गुड 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 गुड, मीर मुस्कान आपका भी करेक्ट है, कहां से अराइज होता है, सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस सेल, राइट। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर, राइट, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंजाइम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी पे आ गया अपन। द एंजाइम्स विच कैटेलाइजेस द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोलाइसिस बाय सबस्ट्रेट, फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। चलो, ऐसी एंजाइम जो सबस्ट्रेट से ग्रुप को रिमूव करती है बिना हाइड्रोलाइसिस के। The enzymes which catalyzes the removal of groups from substrate by mechanisms other than hydrolysis. 48. Enzyme की क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, राइट, जल्दी बताओ क्या आएगा 48 का। अरे वाह, वेरी गुड, आई कैन सी सब सब सही आंसर दे रहे हो, क्या बोलते हैं उनको, लाइजेज इज द आंसर, वेरी गुड। जितने लोगों को ये क्वेश्चन मजा आए हो जल्दी से लाइक कर दो, सारे बच्चे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम, जितने बच्चों को ये सही में क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और हेल्पफुल लग रहे हो वो लाइक कर दीजिएगा स्ट्रीम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल ये किस टाइप का मूवमेंट होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल ये किस टाइप का मूवमेंट होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, फास्ट फास्ट फास्ट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, बहुत इजी क्वेश्चन है। पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस रहता है सिनर्जिड्स में जो अट्रैक्ट करता है, तो वो पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो फास्ट, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू ओव्यूल्स इज अ काइंड ऑफ, नहीं प्रकाश आपका आंसर गलत है, आभाष आपका आंसर गलत है, देवांशी आपका आंसर गलत है, कैसी होती है वो मूवमेंट, कीमोट्रोपिक एंड एपिक का, जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था मैंने क्योंकि मुझे लग रहा था हो सकता है आप गलत कर दें, द आंसर विल बी कीमोट्रोपिक एंड एपिकल। चलो 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 नेक्स्ट, इंटरकेलेटेड डिस्क आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। चलो, इंटरकेलेटेड डिस्क किस मसल्स में मिलता है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आई नो आप सब बना लोगे लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो है, हो सकता है आपको मसल्स के ऊपर पूछ दे क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आएगा आंसर, अरे एकदम, ये तो एकदम रॉकेट स्पीड से आंसर आना चाहिए, क्या सर इंटरकेलेटेड डिस्क पूछा है तो क्या आएगा सर आंसर, सर इतना इजी नहीं बता पाएंगे क्या, क्या आएगा, कार्डियक मसल्स, अरे गुड बच्चा लोग, अरे देखो क्या भाग रहा है चैट, अब तुम लोग सही आंसर दिया, अरे गुड, इजी क्वेश्चन पर इतना इजी पूछते हो। चलो,
कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन कॉकरोच मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। इन कॉकरोच द मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर डैश इन नंबर एंड आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। 51। फास्ट। देवांशी करेक्ट, जतिन करेक्ट, विजयपाल सिंह करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, एंजेला करेक्ट। क्या कितने होते हैं कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स? कितने होते हैं? 100 से 150 होते हैं, और ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द आंसर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट। अच्छा सारे बच्चे लोग सुनो ध्यान से, जितने बच्चे लोग देख रहे हो ये स्ट्रीम, कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेना, कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज कर लेना, कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज कर लेना सारे बच्चे लोग, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो नेक्स्ट। अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज, एक एंजियोस्पर्म का टिपिकल एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी। एक एंजियोस्पर्म का टिपिकल एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? अरे चलो गुड, जिसने पढ़ लिया वेरी गुड। चलो हाँ, टिपिकल एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज, फास्ट। 52, सबसे पहले अथर्व का आंसर आया, गुड। प्रियमाला आपने भी करेक्ट दिया, इतने तेज भाग रहे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चलो बट टिपिकल एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ये होगा अपना आंसर। वेरी गुड वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो चलो, राइट, पॉलीगोनम टाइप होता है एम्ब्रियो सैक, राइट। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडाप्टेशन टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें से कौन सा एडाप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन को एंश्योर करने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडाप्टेशन टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडाप्टेशन टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। जल्दी 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 बच्चे लोग, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एडाप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, कौन सा एडाप्टेशन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं अब, राइट? तो मैंने उनमें से एक निकाल के दिया, सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा एडाप्टेशन है। वत्सला वेरी गुड बेटा, वत्सला वेरी गुड, आभास वेरी गुड, नीलांश आपका आंसर गलत है बेटा, चेक करो। वत्सला आभास वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो, तीर्थ वेरी गुड। बाइसेक्सुअलिटी होता है क्या? हाँ ये एक होता है। होमोगैमी मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम सेम टाइम पे मैच्योर हो। क्लीस्टोगैमी मतलब फ्लावर ही क्लोज हो, जैसे कॉमेलाइना में होता है, ऑक्सैलिस में होता है। बर्ड पॉलिनेशन मतलब फ्लावर खुलने के पहले बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाए, मतलब ये सारा सही है। दिस विल बी द आंसर, राइट? बाय द वे अगर कोई देख रहा है तो जो समझना चाहता है, तो मैं ऑप्शन सी भी बता देता हूँ। ऑप्शन सी ये क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन है, मैंने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का एडाप्टेशन भी लिख दिया है, राइट? तो आंसर तो अपना आएगा डी। चलो नेक्स्ट। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर रिस्पेक्टिवली, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। फास्ट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। फास्ट। चलो चलो चलो, क्या आना चाहिए आंसर? अथर्व आपका आंसर गलत है बेटा, चेक करो। अथर्व आपका आंसर गलत है। प्रियामाला एनावानी आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। कैसा होता है ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस? याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक बार शायद आया था, टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा होगा एनाट्रोपस, टिपिकल जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल कैसा होगा ऑर्थोट्रोपस। पहली बार ओव्यूल किस में आया था? जिम्नोस्पर्म में, राइट? पहली बार ओव्यूल किस में आया था? जिम्नोस्पर्म में, राइट? जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल कैसा? ऑर्थोट्रोपस। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा? एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस यानी 0 डिग्री यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल, एनाट्रोपस यानी कि 180 डिग्री यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल, राइट? चलो नेक्स्ट। विच लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन, इट इज एन इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन की कौन सी लेयर फॉसिलाइजेशन में हेल्प करती है? विच लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन। चलो चलो चलो,
अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज स्ट्रीम को जरूर लाइक करेगा, सो दैट आई विल कम टू नो कि हाँ आपको हेल्प हो रही है रिवाइज करने में कॉन्सेप्ट, राइट? विच लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन हेल्प्स इन फॉसिलाइजेशन? चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। आनंद बेटा आपका आंसर गलत है। क्या आएगा आंसर? कौन सी लेयर? एग्जाइन। एग्जाइन किसकी बनी रहती है? स्पोरो पॉलेनिन की। ये मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, लिखा हुआ है ना, इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, राइट? तो ये होगा अपना आंसर। बाय द वे इंटाइन किसकी बनी रहती है ये भी पता होना चाहिए, पेक्टोसेल्युलोस की, राइट? राइट, चलो 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 चलो, हाँ वेरी गुड। SKSAPB आपका भी करेक्ट है, गुड गुड गुड। चलो नेक्स्ट। इन डैश टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन द ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। किस टाइप के प्लेसेंटेशन में ओवरी इनिशियली वन चैम्बर्ड रहती है बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम? चलो चलो चलो, किस टाइप के प्लेसेंटेशन में? ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों का मॉर्फोलॉजी रिविजन हो जाएगा कि नहीं होगा प्लेसेंटेशन का। फास्ट फास्ट फास्ट। कांचना आपका आंसर गलत है। आईना वानी आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। निशिका आपका आंसर करेक्ट है। कौन से टाइप के प्लेसेंटेशन में? पेराइटल टाइप के प्लेसेंटेशन में। पेराइटल टाइप के प्लेसेंटेशन में, सो द आंसर विल बी सी। वेरी गुड बच्चा लो, वेरी गुड बच्चा लो। चलो चलो, प्लेसेंटेशन पढ़ लेना जाके, सुनो जो जो बोल रहा हूँ रिवाइज कर लेना, प्लेसेंटेशन पढ़ लेना, प्लेसेंटेशन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। अगर टाइम नहीं है तो प्लेसेंटेशन पढ़ लेना, एस्टिवेशन पढ़ लेना, देन नेक्स्ट प्लेसेंटेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी देख लेना एक बार जाके, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे देख लेना, राइट? चलो 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 नेक्स्ट। मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्डेट इज कॉल्ड एस। इट्स एन इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। मीजोडर्म से डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्डेट इज कॉल्ड एस। ये एनसीईआरटी का है पॉइंट। मीजोडर्म से डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कॉर्डेट में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, चलो चलो चलो, फास्ट 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 बच चलो। वेरी इजी क्वेश्चन है। आईना वानी वेरी करेक्ट, आभास वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या आएगा इसका आंसर? नोटोकॉर्ड विल बी द आंसर। कॉर्डेट के कैरेक्टर्स याद रखना, कॉर्डेट के कैरेक्टर्स रिवाइज कर लेना, कॉर्डेट के कैरेक्टर्स रिवाइज कर लेना, कॉर्डेट के कैरेक्टर्स रिवाइज कर लेना, राइट? चलो नेक्स्ट। द वेस्कुलर बंडल्स एंड हेट्रोस्पोरीज वेर सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन। वेस्कुलर बंडल और हेट्रोस्पोरी पहली बार किसमें आए थे? वेस्कुलर बंडल और हेट्रोस्पोरी पहली बार किसमें आए थे? वेस्कुलर बंडल्स एंड हेट्रोस्पोरी पहली बार किन प्लांट्स में आए थे? द वेस्कुलर बंडल्स एंड हेट्रोस्पोरी वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 58। आदि आपका आंसर गलत है। आदि आपका, SKSAP भी आपका आंसर करेक्ट है। तैयबा अंजुम आपका आंसर करेक्ट है। कांचना आपका आंसर करेक्ट है, गुड गुड गुड। पहली बार वेस्कुलर बंडल और हेट्रोस्पोरी किसमें आई थी? टेरिडोफाइट्स में आई थी। सो दिस विल बी द आंसर। अब जो बता रहा हूं वो याद रखना, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट अगर आ जाए तो, ऐसे कौन से टेरिडोफाइट हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है ट्रिक करने के लिए आपको। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में पहला आएगा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला होता है, सेल्विनिया होता है, एजोला होता है और माइसीलिया होता है। ये चार के चार हेट्रोस्पोरस होते हैं, याद रखना। वैसे तो टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, टेरिडोफाइट्स में पहली बार हेट्रोस्पोरी आई थी, तो कौन से टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस होते हैं? सिलेजिनेला, सेल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, राइट? ये याद रखिएगा। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइफ साइकिल फाउंड इन फ्यूकस इज, फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है? एनसीईआरटी का पॉइंट है। फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है? ये मैंने लाइफ साइकिल को कवर करने के लिए किया है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये जनरली आप गलत कर सकते हो। फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है? फास्ट 59। कौन आंसर देगा? देवांशी करेक्ट, एंजेला करेक्ट, शुभम करेक्ट, मनोज कुमार करेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, राइट? कैसी होती है फ्यूकस की लाइफ साइकिल? डिप्लोन्टिक। दिस विल बी द आंसर।
आंसर। चलो 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 एक बार देख लेना, लाइफ साइकिल देख लेना एक बार, लाइफ साइकिल से एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कैपेसिटेशन रिएक्शन, ये आ गया रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे लगता है आप बना लोगे। थोड़ा कठिन है बट आई होप सो आप बना लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कैपेसिटेशन रिएक्शन, थोड़ा कठिन है बट आप बना लोगे। आई नो आप सबने तैयारी अच्छी की है। एक दो क्वेश्चंस तो मैं थोड़े अलग से पूछूंगा ही, एटलीस्ट हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं। जल्दी जल्दी जल्दी। देवांशी, वेरी गुड, देवांशी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, जल्दी गुड। तैयबा आपका आंसर गलत है। चलो, कैपेसिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें फीमेल जेनेटल सिस्टम के अंदर जब स्पर्म डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, तो वो कैसे होता है? इट ऑकर्स इन द फीमेल जेनेटल सिस्टम, करेक्ट है। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ओवर एक्रोसोम विच वीकन्स द मेम्ब्रेन कवर, राइट। डायल्यूशन ऑफ द डीकैपेसिटेशन फैक्टर, राइट। एंट्री ऑफ कॉपर आयंस, नहीं कॉपर आयन एंटर नहीं करते, कैल्शियम आयन एंटर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत और ये हो गया अपना आंसर। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, कौन से आयंस जो हैं उनकी एंट्री के बाद, चलो 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 फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, फास्ट आंसर दो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आएगा आंसर? पूजा कुमारी सिंह, बहुत अच्छे कलेक्शन है सर क्वेश्चंस के, थैंक यू पूजा, लेकिन बस मैं अच्छा तब दूंगा जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, राइट। चलो जल्दी 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 आंसर दो। फिलहाल अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चंस को तो स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, सो दैट आई विल कम टू नो कि आपको पसंद आ रहे हैं। चलो 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 फटाफट आंसर दो, फास्ट ब्लॉक। चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या हुआ, फटाफट आंसर दो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा कठिन है लेकिन हाँ मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे ही स्पर्म ओवम के ये कोन लाइक स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन कोन के कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म क्या करता है, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है तो सोडियम आयन चैनल सारे खुल जाते हैं जिसके कारण पूरी ओवम की मेम्ब्रेन जो है वो डिपोलराइज हो जाती है, जिसके कारण दूसरा स्पर्मेटोजोआ एंटर नहीं कर सकता, दूसरा स्पर्मेटोजोआ एंटर नहीं कर सकता। सो द ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स कॉजिंग द डीपोलराइजेशन ऑफ द ओवम मेम्ब्रेन एज द स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फर्टिलाइजेशन कोन, ये होता है फास्ट ब्लॉक, ताकि दूसरा स्पर्म एंटर ना कर सके। दिस इज द फास्ट ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी, जबकि उसके बाद के जो रिएक्शन ये बी और सी लिखा है दे कंसिस्ट ऑफ द स्लो ब्लॉक, स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आए तो याद रखना, फास्ट ब्लॉक क्या होता है, स्लो ब्लॉक किसके कारण होता है? फास्ट ब्लॉक होता है सोडियम आयन चैनल ओपन हो के डीपोलराइजेशन हो जाएगा ओवम मेम्ब्रेन का, जिसके कारण वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी नेक्स्ट स्पर्मेटोजोआ को। और स्लो ब्लॉक किसके कारण होता है? कैल्शियम इन्फ्लक्स के कारण रिसेप्टर्स जो होते हैं जोना पेलुसिडा के वो ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। चलो 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 नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉर्मोन रिलीजिंग आईयूडी, चलो इनमें से कौन सी हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, फास्ट जल्दी जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉर्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, फास्ट। अरे वाह, आई कैन सी एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट आंसर। कौन सी है? प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी, दिस इज द आंसर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आई आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू कि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर मिसमैच्ड, ये मैंने कल ही कराया था, ये मैंने कल ही कराया था, इनमें से कौन सा नेम मिसमैच्ड है? ये मैंने कल ही कराया था लेकिन फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि इससे चैप्टर आपको रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर मिसमैच्ड, ये मैंने कल ही कराया था लेकिन फिर भी आई वॉन्ट। चलो आंसर दो जल्दी 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 आंसर दो। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अहमद खान रिलेटेड है क्या? नहीं, रमेश चंद्र डागर रिलेटेड है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रमेश चंद्र डागर नहीं, अहमद खान रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श और इकोसन टॉयलेट्स, हाँ ये सही है। चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणे, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, हाँ सही है।
यानी कि मोर देन वन ऑप्शन आर मिसमैच्ड, ए और बी मिसमैच्ड है, दैट मीन्स द आंसर इज ई। ये मैंने कल ही बताया था, कल ही बताया था, कल ही बताया था, आई नो मैंने कल ही बताया था, राइट। बट फिर भी फॉर्म का फुल फॉर्म सबको पता है ना, एफ ओ ए एम, फॉर्म का फुल फॉर्म सबको पता है, जल्दी बताओ बच्चे लोग, फॉर्म का फुल फॉर्म सबको पता है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, और इकोसन टॉयलेट्स कहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, ये सबको पता है कि नहीं? मतलब ये इतना इजी सा क्वेश्चन आया तो गलत मत कर देना, राइट। फॉर्म का फुल फॉर्म आई होप सो सबको पता हो, एंड इकोसन टॉयलेट्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। चलो 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 नेक्स्ट। कंबाइंड पिल्स में कौन सा हार्मोन रहता है और मिनी पिल्स में कौन सा हार्मोन रहता है? कंबाइंड पिल कंटेन्स विच हार्मोन एंड मिनी पिल कंटेन्स विच हार्मोन? द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे आर टॉकिंग अबाउट। यस यस, आईना आईना, करेक्ट आंसर दिया आपने, केरला श्रीलंका, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कंबाइंड पिल कंटेन्स विच हार्मोन एंड मिनी पिल कंटेन्स विच हार्मोन? फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। 64 का क्या आएगा? कंबाइंड पिल में क्या होता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होता है, और मिनी पिल्स में क्या होता है? ओनली प्रोजेस्ट्रॉन होता है। सो द आंसर विल बी दिस, राइट, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। अगर फीटस 8 सेल स्टेज तक है तो उसको कहाँ रखेंगे? यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बिफोर 8 सेल स्टेज एंड आफ्टर 8 सेल स्टेज। बिफोर 8 सेल स्टेज कहाँ रखेंगे यार, आफ्टर 8 सेल? तो बिफोर 8 सेल पूछ रहा है, बताओ जल्दी आंसर। 65, 65 का आंसर बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। 65, वत्सला इज सेइंग बी, अपूर्वा इज सेइंग बी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। बिफोर 8 सेल स्टेज कहाँ पे रखोगे? फेलोपियन ट्यूब में रखोगे। सो दिस विल बी द आंसर, बिफोर सेल स्टेज में रखोगे फेलोपियन ट्यूब में। आफ्टर 8 सेल स्टेज कहाँ पे रखोगे? यूटेरस में रखोगे, राइट। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे लोग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट? ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर 2-3 साल में आ जाता है क्वेश्चन। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट? इनमें से कौन सा फॉल्स है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में? चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट? अपूर्वा आपका आंसर गलत है, अपूर्वा आपका आंसर गलत है, चेक करिए, अपूर्वा आपका आंसर गलत है, चेक करिए। सबसे सही आंसर दिया, सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया देवांशी ने, दे टुक इलेक्ट्रिक स्पार्क एट 75,000 वोल्ट। जी हाँ, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन वर टेकन इन द रेशियो 2:1:2, वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, दे गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, नहीं, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया था, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं, केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया था। आफ्टर 18 डेज एलेनिन ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड वर फाउंड, ट्रू। सो द आंसर इज सी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का प्रूफ नहीं दिया था, केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ दिया था, और केमिकल इवोल्यूशन में सिर्फ एक स्टेप का प्रूफ दिया था कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने थे, राइट। चलो नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर एक फैमिली में 4 बच्चे हैं जिनके ब्लड ग्रुप्स ओ ए बी और ए बी है, मतलब चारों में से कोई भी, सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, तो उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? फास्ट। 67, इफ द चिल्ड्रंस इन अ फैमिली हैव ब्लड ग्रुप्स ओ ए बी ए बी, देन द ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर पेरेंट्स विल बी। बहुत इजी सा क्वेश्चन, चलो 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 फास्ट। 67 कौन देगा आंसर? फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत इजी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर आना चाहिए? अरे गुड वेरी गुड, फादर कैसा होगा? हेटरोजाइगस, और मदर कैसी होगी? हेटरोजाइगस बी, यानी आई ए आई ओ क्रॉस आई बी आई ओ, ये कंडीशन हो जाएगी, राइट। चलो वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर एक नॉर्मल वुमेन जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे मैरी इज अ नॉर्मल मैन, देन वॉट आर द फिनोटाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन? मतलब ये बोल रहा है, अगर एक नॉर्मल वुमेन जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मतलब वो वुमेन हो जाएगी कैरियर अगर, और ये मैरी करेगी नॉर्मल मैन से, यानी कि एक्स वाई। तो चलो मैंने हिंट दे दिया, अब बताओ इनका क्रॉस कराओ, मुझे बताओ। चलो चलो चलो,
जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो, थैंक यू अंजलि। मैं अमेजिंग तब होऊंगा जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, राइट? आई एम जस्ट वेटिंग, आई वॉन्ट यू ऑल की कल यार सब सब सिलेक्ट हो जाओ, सब अच्छे से पेपर दो। जल्दी बताओ, 68 का आंसर दो फटाफट फटाफट। क्या आएगा? 50% ऑफ द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स विल बी नॉर्मल। ये तो बन जाएगा आई थिंक आपसे, राइट? ये तो बहुत ईजी सा था, ये तो बन जाएगा आपसे, राइट? चलो नेक्स्ट। 44+XO कंडीशन इज सीन इन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44+XO कंडीशन किस में, किस सिंड्रोम में देखने को मिलती है? 44+XO कंडीशन इज सीन इन फास्ट, 44+XO कंडीशन इज सीन इन। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आना चाहिए आंसर 69 का? वैशाली आपका आंसर गलत है, एंजेला आपका आंसर सही है, उदित आपका आंसर सही है। अरे एवरीवन इज गिविंग द करेक्ट आंसर। किसमें देखने को मिलती है? टर्नर सिंड्रोम में। ये इसमें 2n-1 इज इक्वल टू 45 एंड दिस विल बी द आंसर, याद रखिएगा, राइट? ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, इनको याद रखिएगा, राइट? चलो 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 नेक्स्ट। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा किसने दी थी? रिवर्स सेंट्रल डॉगमा वॉज गिवन बाय फास्ट, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा वॉज गिवन बाय। इन केस अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो सारे स्ट्रीम को लाइक भी कर दीजिएगा, सो दैट आई विल कम टू नो कि हाँ आपको अच्छे लग रहे हैं या आपकी हेल्प हो रही हो या रिविजन हो रहा हो। चलो, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा वॉज गिवन बाय। जल्दी जल्दी जल्दी, अपूर्वा आपका आंसर गलत है, अपूर्वा आपका आंसर गलत है, देवांशी आपका आंसर सही है। टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स सेंट्रल डॉगमा दी थी, याद रखना। अगर आपको पूछे सेंट्रल डॉगमा किसने दी थी तो सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दी थी, लेकिन रिवर्स सेंट्रल डॉगमा किसने दी थी? टेमिन और बाल्टीमोर ने दी थी। पढ़ लेना एक बार, पढ़ लेना ये क्वेश्चन को एक बार, गलती नहीं करके आना। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट चारागाफ रूल? चारागाफ रूल, क्या एडीनाइन इज इक्वल टू थाइमीन होता है? क्या गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है? क्या एडीनाइन थाइमीन के बराबर होता है, गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है? ये ए इज इक्वल टू है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ए इज इक्वल टू है। हाँ, तो क्या एडीनाइन थाइमीन के बराबर होता है, गुआनिन साइटोसिन के बराबर होता है? बाकी सब तो समझ में आ रहा होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? जल्दी जल्दी जल्दी, अरे वेरी गुड बच्चा लोग, ये करेक्ट है। ए प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिमिडीन के हिसाब से ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू वन, ये करेक्ट है। लेकिन यस, ये नहीं होता वन, यानी ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू वन, दिस इज द आंसर। और फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ह्यूमन्स के लिए ये रेशियो 1.52 होता है, ह्यूमन्स के लिए रेशियो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी होता है 1.52, ये वन के इक्वल नहीं होता, राइट? चलो चलो चलो, चलो 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 फास्ट, चलो चलो चलो। टू लिंक जीन्स जिनके बीच में 40% रिकॉम्बिनेशन है, द इंडिविजुअल विद जीनोटाइप ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, उसमें गैमेट्स कितने बनेंगे और किस रेशियो में आएंगे? 72 फास्ट, 72 फास्ट आंसर दो। चलो 72 क्या आना चाहिए आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आंसर आना चाहिए? मैंने कई बार बताया है, अगर मानो मान लो ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, दूसरे क्रोमोसोम पे ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, अगर जीन 40% लिंक है तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी से चार गैमेट्स बनेंगे, बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हो जाएगा पेरेंटल, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट, और ये भी हो जाएगा पेरेंटल। रिकॉम्बिनेशन कितना दिया हुआ है? 46 पर 40%, तो ये हो जाएगा 20
और ये हो जाएगा 20%, बाकी जो 60% बचा ये हो जाएगा 30%, ये भी हो जाएगा 30%। सो द आंसर विल बी डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो चलो चलो, नेक्स्ट। इन यूकैरियोट्स एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय, इन यूकैरियोट्स एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, यूकैरियोट्स में एमआरएनए को कौन सिंथेसाइज करता है? चलो चलो चलो, इन यूकैरियोट्स एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, फास्ट, 73, इन यूकैरियोट्स एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन करेगा सिंथेसाइज? आरएनए पॉलीमरेज 2, दिस विल बी द आंसर, राइट। चलो चलो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लीजिए, इतना इजी क्वेश्चन नहीं गलत करना है, राइट। अच्छा, एंजेला करेक्ट दिया, गुड। प्रतीक ने करेक्ट दिया, मनोज ने करेक्ट दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वत्सला करेक्ट दिया, गुड। हार्डी वीनबर्ग का क्वेश्चन लो जी, हार्डी वीनबर्ग का क्वेश्चन। अगर एक पॉपुलेशन में एक एलील की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर मान लो, सपोज करो क्यू इज इक्वल टू 0.3 दिया है तो प्री हो जाएगा 0.7, तो आपको हेटरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फास्ट, 74, जल्दी बताओ आंसर। आपको हेटरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फास्ट, क्या आंसर आना चाहिए? उदयजीत, वेरी गुड उदयजीत, करेक्ट आंसर, गुड गुड गुड। क्या होगा आंसर? 2 × P × Q, हेटरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, यानी कि 2 × 0.3 × 0.7, यानी कि 0.42, ये हो गया अपना आंसर, राइट। चलो चलो चलो, वेरी गुड बच्चा लोग। नेक्स्ट, लीडरबर्ग का रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, लीडरबर्ग का रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? म्यूटेशंस आर, एक्सप्लेन्स दैट म्यूटेशंस आर, लीडरबर्ग का रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, इट एक्सप्लेन्स दैट द म्यूटेशंस आर, लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट म्यूटेशंस आर, क्या बोलता है? म्यूटेशंस कैसे होते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट ये एक्सप्लेन करता है कि म्यूटेशंस कैसे होते हैं। कांचना, योर आंसर इज रॉन्ग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है और आपको ये सब बनना चाहिए, एनसीईआरटी के इजी इजी हैं। क्या आएगा आंसर? अरे इतना इजी कैसे गलत कर सकते हो? म्यूटेशंस आर प्री एडाप्टिव चेंजेस, ये बताया था लीडरबर्ग ने रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट में। अरे 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 अरे, सब गलत दे रहे हो। नीलांश ने करेक्ट दिया, वेरी गुड। आदिया ने करेक्ट दिया, कृष्णा ने करेक्ट दिया। चलो, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर देना पिछला वाला। इफ द नेचर सिलेक्ट द मीन कैरेक्टर, मीन यानी कि एवरेज को अगर सिलेक्ट कर ले, अगर नेचर मीन या एवरेज कैरेक्टर को सिलेक्ट कर ले और बाकी को रिजेक्ट कर ले, एवरेज को सिलेक्ट करे और जो एक्सट्रीम है उनको रिजेक्ट करे, तो उसको कौन सा सिलेक्शन बोलेंगे? एवरेज को सिलेक्ट करे एंड एक्सट्रीम फिनोटाइप को रिजेक्ट कर दे, कौन से टाइप का सिलेक्शन होगा? जल्दी, अरे वेरी गुड बच्चा लो, कौन से टाइप का सिलेक्शन होगा? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन इज द आंसर। तो नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लीजिएगा एक बार, नेचुरल सिलेक्शन रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज द बर्थ वेट ऑफ बेबीज, बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनका बर्थ वेट अगर बहुत ज्यादा होता है तो भी उनका सर्वाइवल का चांस कम होता है, या बहुत कम होता है तो भी उनका सर्वाइवल का चांस कम होता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। चलो नेक्स्ट, एडाप्टिव रेडिएशन इज शोन बाय, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने थोड़ा इजी करके दे दिया, लेकिन हो सकता है आपको कठिन हो के आए, लेकिन हाँ ये ऐसा आ सकता है, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ना है सभी को। एडाप्टिव रेडिएशन इज शोन बाय, फास्ट, एडाप्टिव रेडिएशन इज शोन बाय, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो कौन बताएगा? बहुत इजी आंसर है, कि उन कौन कौन शो करता है? डार्विन फिंचेस शो करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल शो करता है, प्लेसेंटल मैमल शो करता है, यानी कि आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, तीनों शो करते हैं, है ना, करते हैं ना, गुड 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 बच्चे लोग, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस स्टेन को यूज करके विजुअलाइज किया जाता है? आफ्टर द अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड बाय यूजिंग विच स्टेन?
आगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को किस स्टेन को यूज करके विजुअलाइज किया जाता है? अरे वाह, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। अरे क्या बात है, वेरी गुड बच्चा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। किस स्टेन को यूज किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड को यूज किया जाता है, किया जाता है ना। इसके बाद यूवी रेज में देखते हैं, ऑरेंजिश कलर के दिखते हैं ना, ऑरेंज कलर के दिखते हैं ना फ्रेगमेंट्स। अरे वाह, वेरी गुड बच्चा, चलो चलो नेक्स्ट। द फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज यूज फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑफ, द फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज यूज फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑफ, पहली जीन थेरेपी किस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज की गई थी? द फर्स्ट जीन थेरेपी, कृष्णा, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। सबसे पहले कृष्णा ने करेक्ट आंसर दिया, गुड। किसके लिए यूज की गई थी? एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए डेफिशिएंसी के लिए। सो दिस विल बी द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 2-3 साल में एक बार आ जाता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या इन्वॉल्व होता है, क्या किया जाता है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 80, आरएनए इंटरफेरेंस, जल्दी बताओ। आरएनए इंटरफेरेंस, फास्ट 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 फास्ट। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है? द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये किया जाता है। जैसे अगर आपके पास ये टारगेट आरएनए है, इसके अगेंस्ट में एक आरएनए बनेगा, ये आरएनए इस आरएनए से को डबल स्ट्रैंडेड कर देगा, जिससे ये ट्रांसलेशन ना कर पाए, मतलब ये आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, राइट? तो ये इट इज एक्चुअली द साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा आपने सुना होगा, सीनोरेबडाइटिस एलिगेंस सुना होगा, टोबैको प्लांट में ये था, टोबैको प्लांट से रिलेटेड है, टोबैको के रूट में, राइट? निमेटोड होता है, निमेटोड, निमेटोड है मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा और सीनोरेबडाइटिस एलिगेंस। चलो नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बीआरएम, द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर गिवन टू अ पेशेंट टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम फॉर ट्यूमर डिस्ट्रक्शन। कभी कभी कुछ पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो उनको क्या दिया जाता है, क्या उनके बायोलॉजी को मॉडिफाई किया, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए दिया जाता है? द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जिससे उनका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आएगा आंसर बच्चा लोग? एंजेला आपका आंसर गलत है, शालिनी आपका आंसर सही है, आभास आपका आंसर सही है। क्या दिया जाता है? अल्फा इंटरफेरॉन, ये दिया जाता है, इट विल बी द आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट, आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड इन टू, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड इन टू, जल्दी बताओ। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का एक क्वेश्चन है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद एक्टिवेटेड स्लज का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ पास कर दिया जाता है? 82, जल्दी। कांचना वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, शालिनी आपका आंसर गलत है। मोस्ट पार्ट पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट को कहाँ पास किया जाता है? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पास कर दिया जाता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट, अगर सम पार्ट बोले तो वो इनोक्युलम के जैसे यूज होता है, एरिएशन टैंक में डाला जाता है, राइट? चलो राइट, चलो नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, 83, चलो चलो चलो, गुड गुड बच्चा लो, 83 83। अगर ये पिछला वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज स्ट्रीम को सभी लाइक कर दीजिएगा, राइट? सो दैट आई विल कम टू नो कि आपको पसंद आ रहा है। सारे बच्चे स्ट्रीम को लाइक कर दो पहले फटाफट, अगर आज आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो, फाइनल कलेक्शन से 90 क्वेश्चन के, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोग कल एग्जाम देने जाएंगे। चलो मैच द फॉलोइंग, जल्दी। चलो आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, 83 का क्या आना चाहिए? जल्दी जल्दी जल्दी, अरे गुड, 83 का क्या आना चाहिए? सी करेक्ट मैचिंग है, दिस इज द करेक्ट मैचिंग एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, राइट? बहुत इजी सा था, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग। जैसे साइक्लोस्पोरिन आपको पता है क्या होता है, स्टैटिन पता है आपको क्या होता है, राइट? तो
तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर है, पता रहना चाहिए, और मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से। द एवेल्यूएशन ऑफ अ क्रॉप बिफोर इट्स रिलीज, किसी भी क्रॉप को रिलीज करने के पहले उसका एवेल्यूएशन कौन करता है? द एवेल्यूएशन ऑफ अ क्रॉप। अर्जुन इज सेइंग थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन सर। अर्जुन थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, ऑल द बेस्ट अर्जुन, कल नीट में एकदम फोड़ देना, तुम लोग एकदम फोड़ देना उठा के, और अच्छे से रिवाइज कर लो आज। चलो बताओ 84 का आंसर बताओ, किसी भी क्रॉप को रिलीज करने के पहले उसका इवेल्यूएशन कौन करता है? एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, उसका इवेल्यूएशन कौन करता है? ये देखो सबका गलत, बहुत सारे लोग गलत बता रहे हो। ठाकुर निखिल सिंह आपका करेक्ट, नहीं आपका भी गलत है, केवल गलत सही किसने बताया था? आदिया ने करेक्ट बताया, राइट। कौन करता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर में किया जाता है, एक बार एनसीईआरटी पढ़िए। इनकरेक्ट अबाउट MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। MOET मतलब क्या होता है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके बारे में इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट अबाउट MOET इज, चलो फास्ट। तनिष थैंक यू, तनिष इज सेइंग सर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थैंक यू तनिष। जितने बच्चे लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो फटाफट स्ट्रीम लाइक कर देना, और मैं अच्छा तब होऊंगा जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, मेरे क्वेश्चन अगर आपके काम आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी यार, ऑनेस्टली। आप लोग डॉक्टर बन जाओ कितना अच्छा लगेगा, मतलब तो मेरे इतने सारे स्टूडेंट डॉक्टर, अभी तक तो इतने बन चुके हैं, इतने स्टूडेंट बन चुके हैं, आप ये पहली बार ऑनलाइन है, आप भी बन जाओ। चलो बताओ जल्दी क्या आएगा आंसर 85 का, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा 85। अपूर्वा आपका आंसर गलत है, क्या आएगा? हॉर्मोन्स विथ FSH लाइक एक्टिविटी आर यूज फॉर सुपर ओव्यूलेशन, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ वन एग 6 to 8 eggs आर रिलीज पर साइकिल, जी हाँ करेक्ट। फर्टिलाइज्ड एग्स एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड सर्जिकली, नहीं नॉन सर्जिकली होता है, नहीं नॉन सर्जिकली होता है, तो ये गलत है। इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर केटल्स एंड शीप एंड रैबिट, तो आंसर आएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज। अर्जुन मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है, मेरी ब्लेसिंग हर एक स्टूडेंट के साथ है, सबके साथ है, बच्चे लोग कल फोड़ देना उठा के। चलो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज। अरे प्रिंसेस मैं, चलो सबका नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ, चलो चलो चलो, हाँ जल्दी बताओ। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज 86, जल्दी बताओ उसे क्या बोलते हैं? ये एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, क्या बोलते हैं उसे? स्टैंडिंग स्टेट। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पूछ दे, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है, लेकिन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पूछ दे यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर पूछे तो स्टैंडिंग स्टेट। नेक्स्ट 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 फास्ट। चलो 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 चलो, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम का कौन सा फंक्शनल यूनिट नहीं है? चलो चलो चलो, फोकस ऑन क्वेश्चंस, फोकस ऑन क्वेश्चंस, बच्चा लोग छोड़ो वॉइस, फोकस ऑन क्वेश्चन, फोकस ऑन क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, जल्दी जल्दी जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। अरे वाह वेरी गुड बच्चे, डिकम्पोजिशन होता है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता जी, दिस इज द आंसर। प्रोडक्टिविटी होता है, एनर्जी फ्लो होता है, फंक्शनल यूनिट कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम पहला क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, और क्या होता है? एनर्जी फ्लो, और क्या होता है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और क्या होता है? डीकम्पोजिशन। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं, राइट। चलो चलो नेक्स्ट। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दी थी? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दी थी? द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय,
the competitive exclusion principle was given by. क्वेश्चन करने में मजा आया सारे बच्चों को? थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. जितने बच्चों को सेशन पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा. द कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दी थी? 88. जल्दी 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 फोकस करो क्वेश्चन में. द कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दी थी? अरे गुड बच्चों, किसने दी थी? गॉस ने दी थी. वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड बच्चा लोग. गॉस ने क्या बोला था, ध्यान से सुनिए. अब मैं इससे रिलेटेड कुछ बोल रहा हूँ. गॉस ने ये बोला था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक बिना कॉम्पिटिशन के नहीं रह सकती अगर रिसोर्स लिमिटिंग हो तो. उनमें अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन होगा और एक बचेगी और एक हट जाएगी, मतलब एक एलिमिनेट हो जाएगी, एक एक्सक्लूड हो जाएगी. लेकिन नेचर एक्सक्लूजन में बिलीव नहीं करता है. मदर नेचर एक्सक्लूजन में बिलीव नहीं करता है. मदर नेचर को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है. याद रखना, गॉस की ये प्रिंसिपल नेचर फॉलो नहीं करता. मदर नेचर को एग्जिस्टेंस को फॉलो करता है, एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करता. चलो. जब क्वेश्चंस के आंसर ठीक हो रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है. हाँ कल भी ठीक होंगे, कल भी ठीक होंगे शिक्षा, कल भी देखना ठीक होंगे. ठीक, चलो 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 चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में क्या इनकरेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया? चलो चलो फास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया? जल्दी जल्दी जल्दी. शिवी वेरी गुड बेटा, शिवी वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, शिवी करेक्ट, कृष्णा करेक्ट, बाबूराज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, गुड. लेस फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द टेम्परेट देन ऑपरेट? नहीं ये गलत है. कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट ट्रॉपिकल एरिया, ये सही था. मोर सोलर अवेलेबिलिटी इन द ट्रॉपिकल एरिया, ये सही था. ये है अपना आंसर. एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने उसको चेंज किया. लेस फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द टेम्परेट रीजन, नहीं ट्रॉपिक होना चाहिए था यहाँ पे, तब ये सही हो जाता. राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द इकोसिस्टम सर्विसेज आर इंक्लूडेड अंडर विच कैटेगरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? इकोसिस्टम सर्विसेज पे कुछ क्वेश्चन देते हैं. चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी. इकोसिस्टम सर्विसेज का क्वेश्चन नेक्स्ट. द इकोसिस्टम सर्विसेज आर इंक्लूडेड अंडर विच कैटेगरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? द इकोसिस्टम सर्विसेज आर इंक्लूडेड अंडर विच कैटेगरी और व्यू टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? चलो चलो चलो. 90 का क्या आना चाहिए? कांचना योर आंसर इज रॉन्ग. दिव्य प्रकाश का सही है, वेरी गुड दिव्य. कृष्णा सही है, गुड 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 गुड. आदिया सिंह थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स. थैंक यू आदिया, मजा तब आएगा जब आप लोग डॉक्टर बन जाओ यार, जल्दी से डॉक्टर बन जाओ. चलो क्या आएगा आंसर, कौन से उसमें आता है? इकोसिस्टम सर्विसेज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है. एक बार जाके पढ़ लीजिएगा अच्छे से. राइट, कैसे लगे बच्चों क्वेश्चंस? सिर्फ फास्ट जल्दी बताओ कैसे लगे क्वेश्चंस? बहुत मुश्किल हुआ. हम जितने बच्चे लोगों को अगर रिवाइज करना है अभी भी, तो हम वन डे वन यूनिट के हिसाब से रिविजन, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाओ. और अभी भी रिविजन करना है तो आप वहां से कर सकते हो. मैंने उन्हीं में से क्वेश्चंस कुछ एक्सट्रैक्ट किए थे. राइट चलो, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो स्ट्रीम को जरूर लाइक कर दीजिएगा. एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, दिल से ऑल द बेस्ट सारे बच्चे लोगों को. राइट चलो. इट इज नॉट अबाउट कि कठिन है क्वेश्चन की इजी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और सभी लोग याद रखना कि प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन का. तो आपने अगर नहीं लिया हो तो ले लीजिए, अगर आपको साल भर प्रिपेयर करना है. क्योंकि कल के बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2021 का. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. राइट हाँ, थैंक यू सारे बच्चों को. नीट 2021 का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. सब्सक्रिप्शन ले लो, और आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा कोड इज SBAIS. सब्सक्रिप्शन ले लो अगर नहीं लिया है तो. राइट चलो चलो, 10% ऑफ मिल जाएगा. प्लीज याद रखना प्राइस हाइक हो रहा है, और मेरा कोड याद रखना SBAIS. एंड एज यू ऑल नो ये रेट्स हैं. राइट, वन ईयर का है 27,000, टू ईयर का 32,400. सबको ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. हमने बहुत मेहनत की इन 10 दिनों में. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, सबको ऑल द बेस्ट बच्चों, सबको ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट.
और सुनो, एकदम फोड़ देना, एकदम फोड़ देना कल पेपर। आई वॉन्ट कि कल तुम लोग एकदम मतलब बूम करो यार, मजा आ जाए, एकदम फोड़ दो उठा के। राइट, सबको ऑल द बेस्ट। राइट, सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से देना सारे अपने आइडेंटिटी कार्ड और जो भी चीजें, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एडमिट कार्ड, सारी चीजें ध्यान से रख लेना। और कल बायोलॉजी अटेम्प्ट करते समय ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ट्रू कहाँ लिखा है, फॉल्स कहाँ लिखा, करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है। राइट, चलो यार, बहुत मेहनत की और अभी तो लास्ट हमको, मुझे 15-20 दिन ही हुए हैं अनअकैडमी पे आए हुए, लेकिन फिर भी कोशिश की कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा पाऊँ। आई होप सो एफर्ट काम आया हो। एंड सारे बच्चों थैंक यू एंड लव यू सारे बच्चों को। चलो थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट। कल फोड़ देना, राइट, कल आपका दिन है। राइट, चलो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। चलो बाय बच्चा लोग।